रामगढ़ ताल चंपा देवी पार्क के पास बनने वाले फूड पार्क का डिजाइन फाइनल हुआ, जिसके संबंध में जिले उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि रामगढ़ ताल के किनारे सुविधा बढ़ाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आए। जीडीए के द्वारा स्ट्रीट फूड का हब विकसित कर दिया गया है। लोग यहाँ पर ठेले पर आकर खाकर चले जाते हैं, लेकिन बैठ कर इंजॉय करने की जगह बहुत कम रहती है, जिसको देखते हुए चंपा देवी पार्क के बगल में जीडीए की 2.5 एकड़ जमीन पर बहुत ही अच्छा फूड पार्क बनने जा रहे हैं, जिसका डिजाइन फाइनल हो गया है, जिसमें 95 दुकानें होंगी और वहां पर देश विदेश के अलग अलग प्रकार के व्यंजन उपलब्ध रहेंगे, जो कि लोगों को पसंद आएगा। जिस पर कार्य शुरू हो गया है, उम्मीद है कि जल्द ही कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडी उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि लोगों को सुविधा बढ़ाया जाए यहाँ पे, कि लोग आएँ। तो अभी जैसे हम लोगों ने बड़ा अच्छा स्ट्रीट फूड का पूरा हब विकसित कर दिया है, लोग ठेले पे स्ट्रीट फूड लगता है, लोग आते हैं खाते चले जाते हैं, परंतु बैठ के उसको एंजॉय करने की जगह बहुत कम है रामगढ़ ताल क्षेत्र में। तो उसको देखते हुए चंपा देवी पार्क के बगल में हमारे पास 2.5 एकड़ ज़मीन है, जिसमें हम लोग बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फूड पार्क डेवलप करने जा रहे हैं। उसमें 95 शॉप्स होंगी, उसमें अलग अलग प्रकार के देश विदेश के अलग अलग प्रकार के व्यंजन उसमें उपलब्ध रहेंगे। तो उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा, और उसमें हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करेंगे।